सामाजिक उत्थान और सहजता को देखते हुए उत्कल ब्राह्मण समाज वरमकीला सरिया संघ द्वारा आज लींद्रा माधव मंदिर परिसर में सामूहिक व्रतोपनयन संस्कार का आयोजन था। आइए एक नजर डालती हूँ उपनयन व्रतोपनयन संस्कार के बारे में। कालांतर से संस्कार का विशेष महत्व है। हालांकि तत्कालीन समय में वर्ण व्यवस्था उपनयन संस्कार से निर्धारित किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब बालक ज्ञान हासिल करने योग्य हो जाए तो उसका सर्वप्रथम उपनयन संस्कार कराना चाहिए। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का विधान है, उनमें एक उपनयन संस्कार है। इस संस्कार से बालक के मन में आध्यात्म चेतना जागृत होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब बालक ज्ञान अर्जन योग्य हो जाता है तब उपनयन संस्कार किया जाता है। खासकर ब्राह्मणों में इस संस्कार का अति विशेष महत्व है। कालांतर से संस्कार की विधि पूर्वक निर्वाह किया जा रहा है। समाज में वर्ण व्यवस्था व्याप्त, इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम स्थान पर ब्राह्मण है, दूसरे पर क्षत्रिय है, जबकि तीसरे पर वैश्य और चौथे पर शूद्र है। इस क्रम में ब्राह्मण बालक का 8वें साल में उपनयन संस्कार होता है, क्षत्रिय बालक का 11वें साल में होता है, जबकि वैश्य बालक का 15वें साल में उपनयन संस्कार होता है। आज लेंद्रा राधा माधव मंदिर परिसर में 5 प्रमुख ब्राह्मण पुत्रों का उपनयन संस्कार उड़ीसा छत्तीसगढ़ उत्कल ब्राह्मण समाज समिति माध्यम से व्यक्तियों का संस्कार किया गया, जहाँ नगर भ्रमण कर पाद प्रक्ष पालन भी नगर वासियों के द्वारा किया गया। अपना ब्राह्मण समाज का उपनयन संस्कार आज लेंद्रा राधा माधव मंदिर में हम लोग सामूहिक रूप से 6 बटुक का सामूहिक रूप से उनका उपनयन करवाए हैं। ये अपना लेंद्रा मंदिर में 2 साल, इस वर्ष 2 साल हो रहा है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे समाज के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है सभी का। ये क्षेत्र वासियों का भी योगदान से हम लोग का इस साल हम लोग बहुत भव्य से यहाँ उपनयन संस्कार करवाए हैं। अब अटूक को आशीर्वाद प्रदान किए हैं हम लोग, और सभी का एक हमारा समाज का एकत्रित होना ये हमारे लिए अति सौभाग्य का बात है, और आगे भी इस तरह का हम कार्यक्रम समाज के लिए करते रहेंगे। जय जगन्नाथ। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि समाज को एक सूत्र में पहले बांधना। हमारे जनेऊ संस्करण में बहुत अधिक खर्च आते हैं, तो समाज के लोगों ने हमारा ये सोचा क्यों नहीं इन बच्चों को एक स्थान पर जोड़कर हम जनेऊ संस्करण करें, और इनकी जो राशि बचती है समाज के अन्य कार्य में हम लगाएं, जिससे कि हमारा समाज का उत्थान हो सके और जो फिजूल खर्च है इसको हम रोक सके, और एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे ब्राह्मण के रूप में इनको संस्कार सिखाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजन करते हैं। मैं ओडिशा रू आसीचु, आउ इनके व्रत करवा लगे आसीचु, आउ आमे सुने दिलु जे इनो बहुत कम खर्च रे व्रत होचे, आउ आमे 501 टंका देकर व्रत करिसु, आउ घरे जो दीटा कोइछु तो मिनिमम 1.5 लाख रु 2 लाख टंका खर्च होइतबा, आउ आमे सही पैसा के आमे बचे करे आउ बाकी मान कर भी सहाय्य करि परमा, आउ सबुते सुविधा भी भल अछे, खाना पीना सब व्यवस्था भल अछे, मंत्र उच्चारण भी सब ठीक ठाक हो रही, बहुत भल अच्छे, परिवेश भी बहुत भल अच्छे, आउ सदस्य मान भी समस्ते व्यवहार सब भल। मो नाम अभिलाषा दास, हमें बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट देशभटली गाँव बरमकीला से सुवर्ण कुमार भोई की रिपोर्ट।